नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि मध्य प्रदेश के स्टेट में ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया था। पहले जो है 14% रिजर्वेशन था ओबीसी कोटा में, अब रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया गया है 13% से, यानी अब टोटल जो हो रहा है 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए। अब इसमें मेन प्रॉब्लम यह हो रहा है कि 50% जो लिमिट रहता है उसे क्रॉस कर दिया गया है ओबीसी कोटा को इंक्रीज करके। दूसरी बात आती है कि अनरिजर्व कैटेगरी होती है उनमें रिजर्वेशन कम हो गई है, यह इंक्रीज हुआ उसी के वजह से, उनका 13% रिजर्वेशन कम हो गया है, उनको अब टोटल 37% ही हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ काफ़ी सारे केस हो रहे हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, ये आर्टिकल में उसी के बारे में दिया गया है। और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ऑफिसर ने भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है हाई कोर्ट के इस केस में कि यह इंक्रीज कौन से बेसिस पर हुआ है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें पहले पॉइंट यह बता रहा है कि यह रिजर्वेशन जो है ऐसे ही इंक्रीज कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि 50% की जो लिमिट होती है उसे क्रॉस कर दी गई है। और तीसरा पॉइंट यह आता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने बताया है कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है उसमें जीतने के लिए यह इंक्रीज कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा कोर्ट में वह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।